नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सत्या आपका अपने चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके साथ अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। पहला आइटम है वो रोटी तवा है और जो दूसरा आइटम है वो भी रोटी तवा है, जो ऐसे पैक होकर आया। इसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया, ये ऐसे ही रैपिंग में आया था। और जो मेरा पहला आइटम है वो देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से अनबॉक्स कर चुका है बट मैंने बॉक्स से उसको नहीं निकाला है। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इससे पहले अगर मेरा वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने डोसा तवा नॉनस्टिक का रिव्यू किया है, तो फ्रेंड्स आप उसे देखिएगा। जो पहला तवा है वो ऐसे बॉक्स में आया है। आपको तो पता होगा कि प्रेस्टीज इज़ अ इंडियन कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही देख सकते हैं आप, ऐसे पॉलीथिन में पैक होकर आया था, फिर उसके बाद ऐसे बॉक्स में है। बट बॉक्स इज़ वेरी मच टॉर्न, आप देख सकते हैं ये बॉक्स इतना फटा हुआ था। और इस बार इसका पैकिंग, जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि अमेज़ॉन की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, इस बार पैकिंग थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी है। फ्रेंड, ये ऐसे बैग में आया है, देख सकते हैं आप, एक पॉलीथिन में है और इसके साथ कोई फ्री आइटम नहीं आया है। पहला तवा है वो है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही एलिगेंट काइंड ऑफ तवा है। ये प्रेस्टीज कंपनी का है, प्रेस्टीज कंपनी आपको पता है एक इंडियन कंपनी है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक इंडक्शन कंपैटिबल है और आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छी है। और आप देख रहे हैं इसके बेस पे बहुत ही अच्छा है, सो इट इज़ अ इंडक्शन फ्रेंडली ऑल्सो। फ्रेंड्स, आप इसके हैंडल पे ये जो देख रहे हैं ये परमाकूल हैंडल्स हैं, सो ये आपको प्रिवेंट करेंगे हीट के कारण। और इसका डिज़ाइन भी बहुत मॉडर्न है, ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का एनोडाइज्ड तवा है। ये थोड़ा सा नॉनस्टिक काइंड ऑफ तवा है। और फ्रेंड्स, इसका रेट, इसका डायमीटर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम देखते हैं अब अपना दूसरा आइटम। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा है, ये 600 समथिंग का है। तो हम सेकंड तवा देखते हैं कि वो कैसा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रोटी तवा, और कैन बी से दैट कि ये पराठा तवा है। तो ये हमारा हो गया पहला आइटम। और हमारा जो नेक्स्ट आइटम है, तो आप देख रहे होंगे ये ऐसे पैक होकर आया था। इस बार पैकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि हमेशा पैकिंग अमेज़ॉन की बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये तवा भी ऐसे ही बहुत सुपीरियर, देख सकते हैं आप, ये ऐसे ही पैक होकर आया था। एंड इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ गुड पैकिंग, जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। इस बार इसका कोई बॉक्स नहीं था। और फ्रेंड्स, ये हॉकिंस का है और आपको मालूम है हॉकिंस इज़ अ वेरी गुड कंपनी। फ्यूचरा का हॉकिंस का रोटी तवा है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत मॉडर्न और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और नॉनस्टिक है, बहुत ही ड्यूरेबल लग रहा है। यहाँ पे स्टील का हैंडल है, ये इंडक्शन फ्रेंडली नहीं है और ये डिशवॉशर फ्रेंडली नहीं है। इसके साथ कोई लिड नहीं आया है और इसके हैंडल में भी थोड़ा सा, इसका हैंडल भी मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। देखिए आप, ये ऐसा नहीं, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ नॉट एबल टू, ये हैंडल नहीं होगा, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सो ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट इसका क्वालिटी अगर हम दोनों को देखते हैं तो ये थोड़ा हैवी भी है और इसका थिकनेस भी ज़्यादा है। और डायमीटर ऑलमोस्ट, बल्कि इसका डायमीटर ज़्यादा है, आप देख सकते हैं प्रेस्टीज का डायमीटर भी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, इसका रेट्स भी कम है और आप देख सकते हैं ये इंडक्शन फ्रेंडली भी है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बिग यस कहूँगी कि आप इसे ज़रूर ले सकते हैं और ये आपके बजट में भी है। अगर आप नॉनस्टिक कोई काइंड ऑफ रोटी तवा देख रहे हैं जो आपके बजट में है, या आप 600 to 700 लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट तवा। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस, बिकॉज द हैंडल इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड इट इज़ कम्पैटिबल फॉर द, जैसे आप बोलते हैं डिश वॉशर के लिए भी बहुत कम्पैटिबल है और आप इसको इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा तवा अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप मेरे साथ इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नई शॉपिंग में नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।